आज मैं रोज़ा नहीं रख पाई क्योंकि मैं उठ नहीं पाई थी सुबह 3 बजे। वैसे तो अलार्म लगाया हुआ था लेकिन नींद के मारे मतलब अलार्म बजा और पता ही नहीं चला, ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे तो मेरे पूरे ही रोज़े जाते हैं लेकिन इस बार मेरे 2-3 छूट चुके हैं और आज का भी छूट गया, ऐसा पहली बार हो रहा है। मतलब हर बार पूरे जाते हैं लेकिन इस बार पता नहीं क्यों छूट रहे हैं। अच्छा, सुबह उठते ही साथ मुझे पहले तो अफसोस हो रहा था कि रोज़ा छूट गया, फिर मैंने कहा चलो यार रोज़ा छूट गया तो क्या हुआ, वीडियो शूट कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं उठी और फिर मैंने चद्दर वगैरह ठीक की, और आप लोगों को पता है मेरा यही काम होता है सुबह सुबह। और भैया पहले मैं नींबू पीती थी लेकिन अब मैं नहीं खरीद सकती नींबू क्योंकि सोने के रेट का हो गया है। नींबू 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है नींबू पीना। और अब मैं सिर्फ खाली पेट गर्म पानी भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल पानी पीती हूँ। इससे पता है क्या, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना और एक्सरसाइज नहीं होती, डाइटिंग नहीं होती, कोई भी गर्म वाली ड्रिंक नहीं पी जाती, तो खाली नॉर्मल पानी पी लिया कीजिए और उससे 2 घंटे तक या 3 घंटे तक कुछ मत खाया कीजिए, पता है सही रहता है डाइजेशन सिस्टम। ओह माय गॉड, मुझसे नहीं बोला जाता यार, इंग्लिश मेरे बस की नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं मोटी हो रही थी, होते होते मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपनी डाइट पे तो मैं फिर से फिट होने लगी हूँ। अच्छा, फिर मैंने झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगाया, पोछे के साथ साथ मेरा दुपट्टा भी पोछे में हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अरे चलो वैसे भी नहा लूँगी, क्या होता है। फिर मैंने पोछा लगाया और मैं यहाँ पे कछुए की चाल में पोछा लगा रही थी एकदम धीरे धीरे, लेकिन एकदम से पता नहीं मुझे इतनी तेज़ फुर्ती आ गई। ये देखो आप लोग, ये देखो भैया, इतनी तेज़ मैंने काम करना फिर शुरू कर दिया, एकदम तेज़ पोछा लगाया। और मेरा काम बस यही रहता है, झाड़ू पोछा बस, उसके बाद फ्री, क्योंकि सुबह सुबह सही रहता है, फ्रेश फील होता है घर की साफ़ सफाई करके। फिर मैंने ब्रश किया और यही मेरा काम होता है इस सुबह। रमज़ान में लेकिन अलग ही रूटीन हो जाता है तो वो मैं शेयर करूँगी, लेकिन आज डिफरेंट है क्योंकि मैं अकेले हूँ, बिल्कुल अकेले हूँ घर पे, क्योंकि बगल में जो चच्ची रहती हैं ना वो नहीं है, इसलिए थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन ठीक है। फिर मैंने ब्रश किया, दांत मांजे, फिर फेस वॉश किया। फेस वॉश तो मैं ऐसे करती हूँ जैसे क्या बताऊँ, एकदम बहुत तेज़ फेस वॉश करती हूँ, मतलब तेज़ नहीं, फास्ट मोशन में है वीडियो, मैं मतलब 1 मिनट तक करती हूँ फेस वॉश। इसके बाद फेस वॉश करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग मेरे बालों की हालत पर मत जाना, बाल एकदम ऐसे हो रहे थे ख़राब से, तो लग रहे होंगे अजीब से बाल। उसके बाद मैंने फेस वॉश यहाँ रखा और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि नहा लूँ, तो नहाने के लिए मैं बहुत टाइम के बाद ये टी शर्ट पहनने वाली हूँ, बहुत टाइम के बाद, इतने दिन से मैं ये फ्रॉक पहन रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, लेकिन नहीं अभी रमज़ान की वजह से टी शर्ट वगैरह नहीं पहन रही हूँ क्योंकि टी शर्ट में नमाज नहीं होती इसलिए। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कपड़े उठाए जो कि यहाँ पड़े हुए थे, मेरे सर पे कंघा लगा हुआ था, उसके बाद सारे कपड़े मैंने उठा लिए। यहीं पे सामने मतलब घर के मतलब कमरे के जस्ट सामने ही फैले हुए थे कपड़े, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही फैला देती हूँ जब छत पे जाने का मन नहीं होता है, बहुत तेज़ धूप होने लगी आजकल तो सच में। अच्छा, फिर मैंने कपड़े लाके बेड पे पटक दिए और मैंने सोचा बाद में तय करूँगी। अब नहाने से पहले ना मैं हमेशा अपने बाल सुलझाती हूँ, मुझे उलझे बालों को वॉश करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन कौन ऐसा करता है कॉमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी तरीके से बालों को सुलझा लेती हूँ ताकि हेयर वॉश जब करूँ तो एकदम ईजली हो जाए हेयर वॉश। अच्छा यार, समर्स में नहाना कितना ज़्यादा मज़ा आता है, नहाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आज मेरा हेयर वॉश का डे था तो मैं यहाँ पे हेयर वॉश कर रही हूँ, पहले अच्छे से बालों को मैं गीला कर लेती हूँ, फिर शैम्पू को मग्गे में अच्छी तरीके से फ़ैन बना के फिर यूज़ करती हूँ ताकि एकदम से हमारे हार्म ना हो बालों में, शैम्पू ऐसे यूज़ करना चाहिए हमेशा। उसके बाद हेयर वॉश किया और फिर आज मैं कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ, वैसे मैं कम करती हूँ अप्लाई,
क्योंकि जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं तभी अप्लाई करती हूँ, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन इसके बाद भी मैं इसको अभी एक बार और यूज़ करूँगी जब मैं बॉटल को काट के यूज़ करूँगी खच खच खचा करके। मेरा ऐसा ही है, मैं किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं होने देती हूँ, चाहे वो मेकअप का हो, स्किन केयर का हो या फिर हेयर केयर का हो। उसके बाद सावर से मैं आज नहा रही हूँ। अच्छा, बहुत कम है ऐसा कि मैं सावर से नहाऊँ, बहुत कम। जब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब ही मैं नहाती हूँ, आज मैंने नहाया। अच्छा, उसके बाद ये कपड़े मैंने ला के पटक तो दिए थे, लेकिन आखिर तय भी तो मुझे ही करना था। अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन रियलिटी इतनी मोटी नहीं लग रही थी मैं, और कैमरे में ऐसा लग रहा है क्योंकि ये टी शर्ट ढीली है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, इसलिए मैं इसको पहनती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल है, वरना मैं ये नहीं पहनती। क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा चुभते हैं सलवार सूट, जो भी ऐसे टाइप के टाइट कपड़े होते हैं, इसलिए ढीले ढीले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं गर्मियों में। और यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को ऐसे खुले छोड़ देती हूँ और अपने आप सूखने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ, कोई मेरा डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर है, उसको मैंने स्प्रे बॉटल में भर के इस तरीके से अप्लाई करती हूँ और अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे वैसलीन रोज़ लगाती हूँ, ये मेरी न्यू डिब्बी है, जाने कितनी वैसलीन की डब्बी है, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बहुत लगाती हूँ मैं क्योंकि होंठ बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं मेरे, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे गर्मी है तो कोई हेल्दी चीज़ बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, सिर्फ आज मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, बहुत सारी इस तरीके से तीन फिंगर पे लगा के अच्छी तरीके से पहले मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बाद इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना वाइट कास्ट है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, तो वो वाइट कास्ट भी चली जाती है। और सनस्क्रीन को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए हमें, तो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ सनस्क्रीन। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया और ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा सा फेस दिखाई दे रहा है मेरा। तो कानों पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी प्रोडक्ट मेरे हाथ पे बचा हुआ था वो भी मैंने अप्लाई कर लिया, और नोज़ के अराउंड सब जगह अच्छे से लगा लिया मैंने। अब मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। पहले तो मैंने ये बालों में क्लेचर लगाया, क्योंकि बाल आगे आते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए। तो ये सूखना भी ज़रूरी है, और अभी मेरी जो बाल सुखाने वाली मशीन थी ना वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें से गर्म हवा आती है। हाँ, अगर ठंडी हवा आती है तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गर्म हवा आती है तो यूज़ करना, बालों को हार्म होता है और कुछ नहीं होता है, वैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आई और मैंने धनिया काटा, खीरा काटा और प्याज काटी, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी वाले चने। वैसे जो चने बनते हैं ना नॉर्मल वाले, वो उबाल के बनते हैं, यार इस दुनिया में मुझे इतना किसी ने नहीं रुलाया जितना प्याज ने रुलाया, अल्लाह कितने आंसू आते हैं, बहुत गुस्सा आती है सच में। उसके बाद सिर्फ गैस को ऑन कर दीजिए, कोई भी कढ़ाइया मतलब कढ़ाई रख दीजिए, मैं कह रही कढ़ाइया। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला मैंने, थोड़ा सा, ये मैंने रात में गला दिए थे, सोचा था सहरी में खाऊंगी, लेकिन अब रोज़ा तो रखा नहीं, तो अब मैं अभी खा रही हूँ। तो इसको ऐसे, ये सिंपल वाले हैं, वैसे वाले नहीं हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं, उबालते वो उबालते नहीं हैं। और सिर्फ मैंने इसमें नमक और हरी मिर्ची और ऐसे सब कुछ डाला, उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, इसका टेस्ट उसके मुकाबले कम होता है, लेकिन ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसलिए। और फिर मैं लाइट चली गई थी तो मैंने ये बाहर आ गई थी मैं थोड़ा गेट की तरफ, ताकि रोशनी में बैठ सकूं, उसके बाद मैंने खाया। अच्छा, पता है मैं मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब जितना हो सके मैं मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मोबाइल अगर एक बार यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते चले जाओ ना, तो फिर मन नहीं भरता। और मोबाइल तो बिल्कुल रमज़ानों में तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, अभी तो बहुत दिन से नहीं चला रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि स्पॉन्सरशिप के लिए क्या क्या है, और वीडियो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं इस कॉपी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ टॉपिक पर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है। और ये स्पॉन्सरशिप का है, और राइटिंग पे मत जाना क्योंकि
राइटिंग मैंने ना जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसी आई है राइटिंग। तो आज ये वाली वीडियो जाने वाली है, तो मैं इस पर अभी टिक लगा रही हूँ लिख करके। आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज ही ये वीडियो जाने वाली है। इस तरीके से ना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। इसमें लिख लो ना तो भूलते नहीं है कुछ भी। और हो सकता है कि मैं ये टाइटल चेंज कर दूँ, सिंपल मॉर्निंग रूटीन ये अलग कर दूँ कुछ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही थी, पता है स्पॉन्सरशिप के लिए आज तक मैंने सिर्फ एक ही कंपनी को इनकार किया, बाकी सबको अच्छा है, मैंने हाँ हाँ ही बोला है। क्योंकि जो है वो वाली कंपनी हेयर डाई की थी, हेयर डाई करने का, तो मुझे वो अपनी मतलब सब्सक्राइबर को भी रिकमेंड करना पड़ता और ख़ुद भी लगा कर बताना पड़ता, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। क्योंकि हेयर डाई मेरा किसी भी काम का नहीं था, बाकी मैं हर कोलेब्रेशन को हाँ ही बोलती हूँ। बस एक ही कंपनी को अभी तक मैंने मना किया है और किसी को नहीं। उसके बाद मैंने ये टाइटल वगैरह लिखा और जो भी वीडियो टॉपिक थे मेरे दिमाग में आ जाते हैं, मैं जल्दी से लिख लेती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। उसके बाद मैं बाहर आ गई और थोड़ा सा मेरा मन हुआ कुछ मीठा मीठा हो जाए, तो मैं यहाँ पे अंगूर खा रही थी। आप जो भी सीजनेबल फ्रूट हो वो खा सकते हैं। और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, अरे यार लाइट नहीं आई थी अभी तक, इसलिए मुझे बाहर बैठना पड़ा लाइट, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो ये सोचता है रोजेस नहीं है इसलिए। वैसे तो ऐसा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि लड़कियों की प्रॉब्लम भी होती हैं बहुत सी। अच्छा, इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग कि मेरा ट्राईपॉड यहाँ रखा है, मैं यहीं पे बैठ के शूट कर रही थी। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, बादल छाए हुए हैं, कितना अच्छा मौसम है, वाह। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और अभी एक बज चुका था, मतलब मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था मैंने, मॉर्निंग रूटीन, लेकिन एक बजा दिया मैंने। अच्छा गाइस, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, अभी मैं ये रमज़ान वाली वीडियोस लाने वाली हूँ उसके बाद, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।